गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आज का हमारा टॉपिक है इफ्यूजन और डिफ्यूजन। गैस जो इफ्यूज होता है या डिफ्यूज होता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं इफ्यूजन के बारे में। इफ्यूजन क्या होता है समझते हैं पहले। देखिए, मान लीजिए कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस फिल किया गया है, कम्प्लीटली गैस फिल्ड है। अब हम उसमें क्या करें, स्मॉल सा एकदम पिन सा होल कर दे रहे हैं उसके अंदर। अब स्मॉल सा होल कर देंगे तो बताइए क्या होगा, अंदर का प्रेशर क्या है बहुत ज़्यादा हाई और बाहर का प्रेशर क्या है कम, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। तो बाहर का प्रेशर कम होने के कारण अब गैस क्या करेगा, ये अंदर से बाहर निकलना शुरू करेगा, क्योंकि अंदर का प्रेशर क्या है हाई। गैस हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, ठीक है। अब गैस बाहर निकलेगा। ये जो फेनोमेना है, एक स्मॉल होल के थ्रू किसी गैस का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना, इस फेनोमेना को ही हम बोलते हैं इफ्यूजन। आई बात समझ में, किसी भी स्मॉल होल के थ्रू किसी गैस को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने को हम क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं इफ्यूजन क्या होता है। हम बात करेंगे यहाँ पे कि व्हेन ए गैस इज पास्ड थ्रू a small hole when a gas is passed through a small hole at very high pressure to low pressure। आई बात समझ में, वेन ए गैस इज पास थ्रू ए स्मॉल होल एट वेरी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड क्या, इफ्यूजन। इसको ही अपन क्या बोलते हैं, इफ्यूजन बोलते हैं। हम बोलेंगे गैस क्या हो रही है, इफ्यूज हो रही है। गैस इफ्यूज कब होगी, जब गैस एक स्मॉल होल के थ्रू पास करेगी एट हाई प्रेशर से कहाँ पे, लो प्रेशर की तरफ, तो हम बोलेंगे हमारी गैस जो हो रही है क्या हो रही है, इफ्यूज हो रही है, ठीक है ना। अब बताइए, गैस एक बार इफ्यूज हो गई, मतलब एक स्मॉल होल से गैस को बाहर, गैस अपनी बाहर निकल रही है। अब बाहर निकलने के बाद क्या होगा, अब हमारे बाहर क्या है, एटमोस्फेरिक गैस है। एटमोस्फेयर के गैस के साथ क्या होगा, मिक्स होना शुरू हो जाएगा। आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे घर में कई बार क्या होता है, एलपीजी सिलेंडर जो होता है ओपन छूट जाता है कई बार। जब ओपन छूट जाएगा तो क्या होगा, अब वो सिलेंडर से जो एलपीजी गैस बाहर निकले हैं वो धीरे धीरे हमको कभी आसपास स्मेल होगा, फिर समय के साथ फिर और दूर स्मेल होगा, फिर और दूर स्मेल होगा। मान लो हम उसको बंद नहीं करें, कंटिन्यूस ओपन ही छोड़ दिए, तो धीरे धीरे और दूर होते जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ, क्योंकि वो गैस निकलने के बाद, उस सिलेंडर से लीक होने के बाद, इफ्यूज होने के बाद, वो गैस क्या कर रहा है, एटमोसफेयर के जो गैस है उनके साथ इंटरमिक्स हो रहा है। और हम जानते हैं गैस का जो इंटरमिक्सिंग होता है वो हमेशा कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। तो गैस इस मतलब आपका इफ्यूज होने के बाद क्या करेगा, एटमोसफेयर के जो गैस पार्टिकल उनके साथ आपस में क्या होगा, इंटरमिक्स होगा, और इंटरमिक्स होने के बाद वो एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो ये जो फिनोमेना है, आपका इफ्यूज गैस को आपका एटमोस्फेरिक गैस के साथ इंटरमिक्स होके होमोजेनियस मिक्सचर बनाना, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इनको, डिफ्यूजन बोलते हैं। देखते हैं चलिए क्या बोलता है, बोलो आफ्टर डिफ्यूजन, आफ्टर इफ्यूजन गैस पार्टिकल इंटरमिक्स विथ एटमोस्फेरिक गैस पार्टिकल। एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर। याद रखना, गैस और गैस का मिक्सचर हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस ही होता है। आफ्टर इफ्यूजन गैस पार्टिकल इंटरमिक्स विद एटमॉस्फेरिक गैस पार्टिकल एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, दिस फेनोमेना इज नोन एज, दिस फेनोमेना इज नोन एज
इनको ही बोलते हैं डिफ्यूजन। मतलब अगर गैस पार्टिकल स्मॉल होल के थ्रू इफ्यूज हो रहा है, इफ्यूज होने के बाद क्या करेगा, एटमॉस्फेयर के जो गैस पार्टिकल के साथ क्या होगा, आपस में इंटरमिक्स करेगा और एक होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करेगा। तो मतलब पहले इफ्यूजन होगा और फिर क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। जहाँ इफ्यूजन हो रहा है डेफिनेटली उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। मतलब अपन ये बात बोल सकते हैं कि इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाई डिफ्यूजन। मतलब इफ्यूजन हो गया तो 110% क्या होगा आपका, डिफ्यूजन होगा। तो इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं कि इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाई डिफ्यूजन, याद रखिएगा। इफ्यूजन इज ऑलवेज फॉलोड बाई डिफ्यूजन। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था अभी, जैसे मान लो कि गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस सिलेंडर है, मान लो गलती से उसमें एक उसके पाइप में थोड़ा सा स्मॉल सा होल हो गया, तो क्या होगा भाई, अंदर का प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा। अब गैस क्या करेंगे, उस सिलेंडर के उस स्मॉल होल के थ्रू लीक करना शुरू करेंगे और एटमॉस्फेयर के गैस के साथ मिक्स होना शुरू करेंगे। मतलब पहले क्या हुआ, इफ्यूज हुए और इफ्यूज होने के बाद वो जो एटमॉस्फेयर का जो हमारा गैस है, बहुत सारे गैस है, उनके साथ आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स करके आपका होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म करेंगे। मतलब पहले इफ्यूजन होगा उसके बाद डिफ्यूजन होगा, ठीक है ना, डेफिनेटली डिफ्यूजन होगा। जहाँ पे इफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे डिफ्यूजन तो होगा ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे बताओ, तो ये जो स्मॉल होल था, इस स्मॉल होल से पर सेकेंड में, मतलब यूनिट टाइम में, पर सेकेंड में कितने मोल गैस बाहर निकल गए। अगर मान लो ना, अगर आपको एक बार 5 मोल बाहर निकला एक सेकेंड में, एक बार 2 मोल बाहर निकल रहा है एक सेकेंड में, तो बताओ उसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या है, ज़्यादा है किसका भाई, 5 मोल का, और 2 मोल का रेट ऑफ इफ्यूजन क्या है, कम है। अब जिस रेट से ये बाहर निकल रहा है उसी रेट से क्या होगा, डिफ्यूज भी होगा। गैस जो आपके एटमोस्फेरिक गैस पार्टिकल के साथ जो मिक्स हो रहा है, अगर मान लो ये स्लो रेट से बाहर निकल रहा है, मतलब इसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या है, कम है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा, क्योंकि जब तक बाहर नहीं निकलेगा तब तक डिफ्यूज कैसे होगा वो। तो डेफिनेटली आपका रेट ऑफ इफ्यूजन अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, अगर रेट ऑफ इफ्यूजन कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ही होंगे। चलिए हम बात करते हैं पहले रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होता है, समझिएगा ध्यान से। जैसे कि मान लो कि एक स्मॉल होल है, एकदम बारीक सा होल है, ये मान लो एक गैस का सिलेंडर है कोई, ये सिलेंडर है पूरा, ये एक सिलेंडर बनाया हुआ है, ये पिस्टन है पूरा। अब मान लो इसके स्मॉल यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया मैंने, यहाँ से होल कर दिया, अब इस होल के थ्रू गैस क्या होगा, बाहर निकलना शुरू करेगा, गैस बाहर निकल रहा है। अब इस स्मॉल होल के थ्रू गैस एक सेकेंड में कितना मोल बाहर जा रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइड बाई टाइम, इसको ही क्या बोलते हैं हम, रेट ऑफ इफ्यूजन बोलेंगे, कि पर सेकेंड में कितना बाहर निकला, या पर मिनट में कितना बाहर निकल रहा है, पर आवर में कितना बाहर निकल रहा है, इसको इसके मैग्नीट्यूड को ही हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इफ्यूजन बोलेंगे। एक तो ऐसे डिफाइन होता है, दूसरा डिफाइन करने का तरीका क्या है, जैसे मान लो अगर हम वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो गैस का पर सेकेंड में कितना वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, 1 लीटर बाहर निकल रहा है, 2 लीटर बाहर निकल रहा है, 3 लीटर बाहर निकल रहा है, या 10 ml बाहर निकल रहा है, गैस के कितने वॉल्यूम बाहर निकल जा रहे हैं उसको भी हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन बोलेंगे। जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर मान लो 10 मिनट में 2 लीटर गैस खाली हो गया उस सिलेंडर का, तो बताओ रेट ऑफ इफ्यूजन कितना होगा, 10 मिनट में 2 लीटर खाली हो गया, तो बताओ क्या करोगे, आपको एक सेकंड में निकालना पड़ेगा, 10 मिनट में कितना खाली हो गया, 2 लीटर, तो बताओ 1 मिनट में कितना खाली होगा, तो 2 डिवाइड क्या कर दोगे, 10 कर दोगे, आई बात समझ में। मतलब 0.2 लीटर क्या हो रहा है पर मिनट गैस क्या हो रही है, इफ्यूज हो रही है, ये हो गया उसका रेट ऑफ इफ्यूजन। या फिर मोल के टर्म में बात करूं, अगर मान लो 20 मोल बाहर निकल रहे हैं 10 सेकंड में, 20 मोल बाहर निकल रहे हैं इसमें 10 सेकंड में, तो बताओ रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा, तो 20 मोल किससे बाहर निकल रहे हैं 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितने निकलेंगे बाहर, क्या करोगे, 20 डिवाइड बाई 10 कर दोगे, तो 2 मोल पर सेकेंड हो गया, मतलब 1 सेकंड में 2 मोल गैस क्या हो जा रहे हैं, इफ्यूज हो रहा है। अब जिस रेट से इफ्यूज होंगे उसी रेट से क्या होंगे, डिफ्यूज भी होंगे, क्योंकि अगर इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। तो देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, हम आपको समझाते हैं क्या होता है रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन, ये समझिएगा। मतलब अगर हम बात करें रेट ऑफ इफ्यूजन की, तो ये डिफाइन होता है कितने मोल गैस बाहर निकले, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस डिवाइड बाई उसमें कितना टाइम लगा,
ऐसे डिफाइन होता है, एक तो ऐसे डिफाइन होता है। दूसरा डिफाइन करने का तरीका है कि रेट ऑफ जो आपका इफ्यूजन है वॉल्यूम के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, मतलब गैस का कितना वॉल्यूम क्या हो गया बाहर निकल गया और उसको बाहर निकलने में कितना टाइम लगा, तो रेट ऑफ इफ्यूजन भी होगा वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई टाइम, ये भी होता है रेट ऑफ इफ्यूजन। ये किसमें बताएगा, ये वॉल्यूम के टर्म में बताएगा, और ये किसमें बताएगा भाई, नंबर ऑफ मोल के टर्म में बताएगा, कितना मोल बाहर निकल गया कितना सेकेंड टाइम में, कैसे बताता है। रेट की बात करने के बाद अब हम आते हैं कि किसका रेट ज़्यादा हुआ किसका रेट कम हुआ, क्योंकि गैस कोई अगर इफ्यूज हो रही है और इफ्यूज होने के बाद डिफ्यूज हो रही है तो किसका कौन फास्ट रेट से डिफ्यूज होगा और कौन सा स्लो रेट से डिफ्यूज होगा, इसकी बात करते हैं। आप सिंपल से कैसे समझिएगा, अगर मान लो कोई इंसान मोटा है, अगर कोई इंसान मोटा है तो जल्दी ज़्यादा फास्ट नहीं भाग पाएगा, बहुत स्लो रेट से भागेगा। अगर बहुत स्लो रेट से मूव करेगा इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो इफ्यूज हो रहा है या डिफ्यूज हो रहा है, उसकी मूवमेंट की इफ्यूज या डिफ्यूज वो दोनों क्या होगी, कम होगी, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं भाग पाएगा। तो अगर उसकी मूवमेंट ही कम हो गई तो डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा, और डिफ्यूजन का रेट भी क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर कोई लाइट पार्टिकल है जिसकी मास कम है तो डेफिनेटली उसका मूवमेंट का स्पीड क्या होगा, ज़्यादा होगा, वो फास्ट मूव करेगा। अगर वो फास्ट मूव करता है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो वहीं अब हम आते हैं किसका रेट ज़्यादा हुआ किसका रेट कम हुआ ये समझने के लिए हम आते हैं ग्राम्स लॉ के पास। ग्राम्स लॉ क्या बोलता है, देखिए क्या बोलता है, इनके अकॉर्डिंग According to Gram's law, rate of effusion or diffusion of a gas at constant temperature constant temperature pressure and concentration according to Gram's law rate of diffusion of a gas at constant temperature pressure and concentration is inversely proportional proportional to a square root of molar mass. Or density of a gas. Or density of gas. कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी का rate of effusion और diffusion जो होता है, हम किस पे बात करें, एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर और कांस्टेंट पे बात करें, द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके भाई, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के या स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस के। अगर मोलर मास ज़्यादा है तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हम बात कर देखो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के, या हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्या भाई, डेंसिटी। ये समझिए, अगर मान लीजिए दो गैस है तो बताओ दो गैस का क्या हो जाएगा, आर वन बाई आर टू इजकल टू अंडर रूट क्या हो जाएगा, एम टू बाई एम वन हो जाएगा। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला अगर हम डेंसिटी के टर्म में बात करें तो आर वन बाई आर टू इजकल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट डी टू बाई डी वन बन जाएगा। अपने पास दो फार्मूले आ गए, लेकिन ये फार्मूले कब इस्तेमाल किए जाएंगे, जब क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर होगा और कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगा, कुछ भी सब कुछ सेम रहे बस गैस डिफरेंट हो। अगर गैस डिफरेंट है तो उनका डेंसिटी भी डिफरेंट होगा, या तो डेंसिटी क्वेश्चन में दिया होगा या फिर उसका मोलर मास दिया होगा, तो उस केस में ये फार्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी अलग हो और मोलर मास क्या हो अलग हो। अगर मान लो डेंसिटी सेम है, मतलब डेंसिटी मतलब कुछ नहीं मेंशन किया गया, समझ कहने का मतलब हुआ,
और आपका मोलर मास सिर्फ दिया हुआ है, तो समझ लो कि आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू क्या यूज करोगे, अंडर रूट एम टू बाई एम वन यूज करोगे। अब मान लीजिए कि गैस का जो प्रेशर है वो प्रेशर भी डिफरेंट मेंटेन किया गया है, एक मान लो पी वन प्रेशर पे है, दूसरा पी टू प्रेशर पे है, मतलब प्रेशर भी डिफरेंट है, उसकी डेंसिटी भी डिफरेंट है, तब क्या किया जाएगा? अब सिंपल सा आप सोचिए, उसके अंदर अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो बाहर निकलेगा, मतलब धक्का कोई मान लो हमको बाहर निकलना है और बाहर से बहुत ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है हमको, तो हम क्या फोर्सफुली बहुत तेज़ी से बाहर निकल जाएंगे, काफ़ी फोर्स होगा पीछे बैक, मतलब बैकवर्ड एक पुश होगा आपको, आपको जिससे आप फास्ट बाहर निकलोगे। सिंपल सा बात है, आप सोच सकते हो किसी का अगर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उस जल्दी से बाहर निकलेगा, अगर किसी का प्रेशर कम है तो स्लो रेट से बाहर निकलेगा, आराम से बाहर निकलेगा, ठीक है ना। तो सारी कहानी किसकी है, प्रेशर की भी है, इसमें प्रेशर का भी कुछ रोल है इसमें। तो प्रेशर में क्या होगा भाई, अगर हम बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन, अगर प्रेशर ज़्यादा है तो फास्ट मूव करेगा, तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम बात करें रेट की, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो बताओ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन वैक्यूम फॉर्म किसके हो जाएगा, प्रेशर की, प्रेशर भी है, या हम अभी अभी देखें कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इनवर्सली था किसके, स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। अब ये मान लो इक्वेशन वन है और ये मान लो इक्वेशन नंबर टू है, इक्वेशन वन और टू को मिला दो, अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन वन और टू को मिला दी, तो बताओ यहाँ पे अब रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा प्रेशर और नीचे क्या हो जाएगा मोलर मास, ये हो जाएगा। अगर हम बात करें किसी दो डिफरेंट गैस के लिए तो बताओ उसका रेट अगर R1 है, दूसरे का रेट अगर R2 है, तो R1 डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर बात करें तो क्या होगा P1 by P2, देखो R1 P1 प्रोपोर्शनल है, R2 P2 प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट मोलर मास M2 by M1, देखो एक फॉर्मूला ये हो जाएगा। हम जानते हैं कि जैसे ये मोलर मास के टर्म में हुआ वैसे हम डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, तो जैसे डेंसिटी के टर्म में क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा R1 by R2 is equal to क्या हो जाएगा P1 by P2 under root density कौन सा D2 by D1, आरी वासन में जहां पे P का मतलब क्या है, यहां पे P का मतलब यहां पे प्रेशर है, प्रेशर है, और एम का मतलब क्या है यहाँ पे, एम का मतलब यहाँ पे मोलर मास है, ठीक है, आगे बात समझ में, ये हुआ। अब हम बात करते हैं आगे, अब देखिए हम लोग देख चुके हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर केस में रेट क्या होगा, अगर हम बात करें फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल के, और दोनों का नंबर ऑफ मोल अलग है, फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ मोल की बात करें, हम जानते हैं कि किसी गैस का अगर नंबर ऑफ मोल डिफरेंट है तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी डिफरेंट होगा, उसका नंबर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट होगा तो जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर भी क्या होगा डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ मोल ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल कम है तो प्रेशर क्या होगा कम होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि पी जो है वो डायरेक्टली किसके है नंबर ऑफ मोल के, P जो है क्या है डायरेक्ट फॉर्म किसके है नंबर ऑफ मोल के, मतलब अगर हम जानते हैं देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला आया था आपका R1 by R2 is equal to क्या था P1 by P2 under root M2 by M1, ये फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में हम जानते हैं कि अगर दो चीजें प्रोपोर्शनल है तो उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आराम से इसके अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि P1 by P2 जो होगा डेफिनेटली किसके इक्वल होगा एन वन बाई एन टू के इक्वल होगा, क्योंकि दो चीजें क्या है प्रोपोर्शनल है। इस चीज को हम इसको मान लो क्वेश्चन नंबर वन है, ये मान लो क्वेश्चन नंबर टू है, तो बताओ अगर मैं दोनों को मिला दूं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन नंबर टू, दोनों को मिला के बात करो तो बताइए क्या हो जाएगा आर वन बाई आर टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल एन वन बाई एन टू, मतलब पी वन पी टू क्या आ जाएगा देखो एन वन बाई एन टू आ गया एन वन बाई एन टू अंडर रूट M2 by M1, तो ये एक फॉर्मूला हो गया किस पे भाई जब नंबर ऑफ मोल डिफरेंट होगा, हम चाहे तो इसको डेंसिटी टर्म में भी लिख सकते हैं, बताओ डेंसिटी टर्म में क्या होगा R1 by R2 is equal to
एन वन बाई एन टू अंडर रूट डी टू बाई डी वन। तो आप ये दोनों फॉर्मूले कभी यूज कर सकते हो, ये दोनों फॉर्मूले का भी यूज में आएंगे जब नंबर ऑफ मोल क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जहां पे एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ मोल, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल और एन का मतलब क्या है मोलर मास, एन का मतलब क्या है मोलर मास। बोल समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत है आपको? चलिए क्वेश्चन लिया गया है इसी के ऊपर, रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन के ऊपर। क्या क्वेश्चन देखिए, बोला है कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इफ एसओ टू गैस पास थ्रू ए स्मॉल होल इन 22 सेकेंड। मतलब एसओ टू गैस जो पास हो रहा है किसमें हो रहा है, 22 सेकेंड में हो रहा है। बोला है हाउ मेनी टाइम ओ टू मतलब ऑक्सीजन ओ टू विल टेक टू पास एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड सेम अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस भी सेम है। तो बोला उसी अमाउंट ऑफ गैस ओ टू पास करने में कितना टाइम लगेगा, जितना एसओ टू गैस का पास हुआ है उतना ही अगर ओ टू पास कराना हो सेम कंडीशन पे, सब कुछ सेम है तो कितना टाइम लगेगा, ये बोल रहा है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा, हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या होता है भाई, हम जानते हैं कि इसमें देखो सब कुछ सेम है, तो क्या कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आर वन बाई आर टू इक्वल टू अंडर रूट एम टू बाई एम वन, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कंडीशन क्या दिया है, सेम दिया है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर सेम है और अमाउंट भी सेम है, उसने अमाउंट भी बोल दिया कि सेम है। देखिए अब बताइए रेट, रेट ऑफ इफ्यूजन क्या बताया था हमें, अब तो यार नंबर ऑफ मोल के टर्म बता दो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसओ टू गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ एसओ टू गैस डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना लगा है इनको 22 सेकेंड लगा है, क्या निकल गया आर वन निकल गया, किसका भाई एसओ टू का निकल गया, डिवाइड बाई ओ टू का निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ओ टू डिवाइड बाई टाइम, ये क्या निकल गया आर टू निकल गया, ऑक्सीजन का निकल गया, अंडर रूट एम टू, एम टू मतलब क्या चाहिए भाई ऑक्सीजन का चाहिए, देखो जी ऑक्सीजन दिया है ना ओ टू एम टू यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 × 16 ऑक्सीजन का मोलर मास, इसका कितना हो जाएगा एसओ टू का, एसओ टू कितना होता है 32 + 2 × 16, देखो ये कितना हो गया, ये कंसिडर करोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32 और ये हो जाएगा 64, कैंसिल करो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 2 आया तो ये हो गया अपना 1/√2। अब बताइए यहाँ पे हमें इसमें क्या बोला है कि सेम अमाउंट ऑफ गैस पास करना है, तो सेम अमाउंट ऑफ गैस का मतलब क्या हुआ बताओ, यहाँ पे जितना मोल SO2 का होगा 22 × T/ नंबर ऑफ मोल ऑफ O2, दोनों का अमाउंट सेम है तो दोनों क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, तो बताओ यहाँ से क्या निकल गया T/22 = क्या लिया है, कितना आया हमारा 1/√2। अब यहाँ से टाइम निकालिए, T का मतलब क्या है टाइम, बताइए क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 22/√2, इसको कैंसिल कीजिए तो हो गया 11√2। अब 11√2 का वैल्यू होता है 1.414, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 15.5 सेकेंड के आसपास, इतना टाइम लगा किसको भाई ऑक्सीजन को उसी अमाउंट को आपको क्या बोलने के लिए इफ्यूज होने के लिए, इतना टाइम लगेगा मतलब 15.5 सेकेंड टाइम लगेगा, आ रही बात समझ में, देखो कैसे यूज किया है, बस कुछ नहीं करना, आर वन बाई आर टू इक्वल टू अंडर रूट एम टू बाई एम वन करना है, और जो कंसेप्ट हम सीखे थे आर वन आर टू का मतलब रेट का क्या होता है नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई टाइम, अब दोनों का अमाउंट सेम है तो नंबर ऑफ मोल भी सेम होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन समझते हैं, पहले आपको समझा देता हूँ, क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में था, मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ अपने फॉर्म में, ठीक है ना, आप बस क्वेश्चन को समझिए और कंसेप्ट दोनों का सेम ही है, बस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। देखिए क्या दिया है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट NH4Cl विल फॉर्म इफ सिलेंडर हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्वेश्चन दिया है इस टाइप का, कुछ ऐसा फिगर बना दिया है, बोला है सिलेंडर टाइप का सेफ है, इस सोर्स से हम NH3 को पास कर रहे हैं और यहाँ से हम HCl को पास कर रहे हैं, बताइए NH3 और HCl जहाँ मिलेगा, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जहां भी NH3 और जहां भी HCl मिलेगा वहां पर क्या बनेगा भाई NH4Cl बनेगा, क्योंकि एक एसिड है दूसरा कौन सा है बेस है, सॉल्ट बन गया NH4Cl, NH4Cl व्हाइट फ्यूम्स क्या करता है प्रोड्यूस करता है, तो मान लो कि
ये बोला है कि NH4Cl कहाँ पे फॉर्म होगा, ये पॉइंट से हमको बताना है। हम मान ले कि बताओ NH3 है, NH3 का मास कितना है बताओ, मोलर मास कितना होगा, 14+3 कितना हो गया 17, इसका मोलर मास कितना होगा 36.5, इसका मोलर मास क्या है ज़्यादा, तो ये ज़्यादा फास्ट मूव नहीं कर पाएगा, ये स्लो मूव करेगा, ये फास्ट मूव करेगा, तो इससे पहले कि ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करे, इससे पहले ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करे, ये इसके पास पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी मास क्या है कम है, मोलर मास क्या है कम है। तो मान लो हाफ डिस्टेंस ये है, इसकी इससे थोड़ा इधर ही मुलाकात होगी इन दोनों की, तो मान लो यहाँ पे मुलाकात हुई और यहाँ पे आके वाइट फ्यूम्स क्या हो गया प्रोड्यूस हो गया, मान लो यहाँ पे बन गया, मान लो NH4Cl बन गया, सपोज करो NH4Cl बन गया, मान लो ये उधर है, तो मान लो वही डिस्टेंस आनी है कि यहाँ से NH3 से कितना डिस्टेंस पे होगा, पूरा डिस्टेंस कितना दिया है, लेंथ कितना दिया है 1 मीटर दिया है, सिलेंडर का जो लेंथ है वो 1 मीटर दिया है। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ से x डिस्टेंस पे, x मीटर पे, ये अपने मन से मान लो ये x मीटर पे है, तो बताओ ये कितना डिस्टेंस बचेगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा। अगर ये पूरा डिस्टेंस 1 मीटर x मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब सिंपल कंसेप्ट लगा दो, कौन सा रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन का, बताओ क्या होता है रेट ऑफ इफ्यूजन, हमने पढ़ा अभी कि R1/R2। अच्छा इस क्वेश्चन में टेम्परेचर प्रेशर और कंसटेंट सब कुछ क्या था सेम दिया था, टेम्परेचर सॉरी इस केस में टेम्परेचर और प्रेशर क्या था कॉन्स्टेंट था, याद रखना इस बात। चलो हम बात करते हैं क्या पढ़े हम लोग, R1/R2 = क्या पढ़े थे हम, पढ़े थे M2/M1 होता है ना, ये तो होता है। देखो R1 का मतलब यहां से NH3 जो पास करेगा इफ्यूज करेगा और यहां से HCl इफ्यूज करेगा, तो यहां पे अगर मैं बोलूं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है तो यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, A ही होगा। तो बताओ रेट क्या होता है, रेट हम अगर वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो रेट क्या बताए थे हम, रेट क्या होता है इसके कितने नंबर ऑफ मोल पास हुए और इसके कितने नंबर ऑफ मोल पास हुए। अब दोनों का अगर हम रेट की बात करें, देखो यहाँ पे अगर हम रेट की बात करें तो बताओ क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो वॉल्यूम ऑफ गैस कौन सा भाई NH3 डिवाइड बाई इसमें जो टाइम लगा। अब इसका बताओ यहां से HCl पास हुआ है तो उसके भी कुछ वॉल्यूम पास होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस किसका भाई HCl का डिवाइड बाई टाइम लगा, ये इसका रेट देगा और ये ऊपर वाले का रेट देगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई M2/M1, M2 मतलब HCl का मतलब कितना होता है 36.5 और इसका मास कितना होता है भाई 17, देखो NH3 का। अब बताओ तो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा, वॉल्यूम की बात करें बताओ दोनों में जो टाइम लग रहा है क्या दोनों में टाइम सेम लगेगा क्या, चाहे इसको जितना टाइम यहां से यहां पे आने में उतना ही टाइम उसको यहां पे आने में, तभी तो दोनों मिलेगा तो रिएक्शन होगी तो H4Cl बनेगा, तो यहां पे जितना उसको यहां पे आने में टाइम लगा उतना ही टाइम ये कहां पहुंच जाएगा वहां पहुंच जाएगा, तो क्या दोनों के लिए जो टाइम है वो दोनों के लिए टाइम क्या होगा सेम होगा। और ये जब यहां से यहां पहुंचेगा मतलब ये पूरे स्पेस को कौन ऑक्यूपाई करेगा NH3 और ये पूरे स्पेस को ये पूरे वॉल्यूम को कौन ऑक्यूपाई करेगा HCl, तो बताओ यहां पे ये यहां पे क्या हो जाएगा वो टाइम से टाइम दोनों टाइम क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ द गैस कौन सा भाई NH3 और नीचे भी कौन सा हो गया भाई वॉल्यूम ऑफ द गैस किसका भाई HCl का। अब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 36.5/17, ठीक है। अब बता दो वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम ऑफ द गैस की बात करें तो क्या होता है बताओ कि अगर मान लो उसकी इसकी एरिया ए है और इसने एक डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो ए इन टू एक्स किसका वॉल्यूम देगा NH3 का, बताओ देखो यहाँ पे आते हैं देखिए, अगर हम बात करें इसने इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है एक्स, तो ए इन टू एक्स किसका देगा वॉल्यूम भाई NH3 का वॉल्यूम देगा। बताओ हम वॉल्यूम ऑफ HCl चाहिए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ भी क्या है ए है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 माइनस एक्स किया है, इसका ही वॉल्यूम आ गया। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई अंडर रूट 36.5/17 के। अब देखो ए से क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, अब क्या हो गया एक्स बाई 1 माइनस एक्स और ये हो गया आपका 36.5/17। अब बताओ क्या करेंगे, हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए क्योंकि जब तक हमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तब तक हमें क्वेश्चन नहीं बनेगा,
तो हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, जिससे रूट गायब हो जाएगा। तो बताओ दोनों साइड स्क्वायर कर लो, बताओ क्या मिलेगा हमें अगर हम स्क्वायर करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स बाई वन माइनस स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 36.5/17। अब आराम से आप क्या कर सकते हो, एक्स एक आपका एक मतलब इक्वेशन आया है, एक्स स्क्वायर के टर्म एक इक्वेशन आएगा, एक्स की वैल्यू आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हो, जो वैल्यू आएगा अपना वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कैसे निकालते हैं। इसका एरिया क्वेश्चनल एरिया ए है, तो ए इंटू एक्स निकाल देगा आपका, वॉल्यूम देगा ये, और जितना टाइम उसको यहाँ पे यहाँ पहुँचने में आएगा उतना ही टाइम उसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में आएगा। इसका एरिया कौन सा है ए, आप वन माइनस एक्स डिस्टेंस क्या किया ट्रेवल किया है, तो ए इंटू वन माइनस एक्स क्या देगा ए सी एल का वॉल्यूम देगा, और फिर दोनों जहाँ मिलेगा और दोनों का जो टाइम होगा टाइम दोनों के लिए क्या होगा सेम होगा। बस आपको क्या करना है सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लेना।